हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल मजीद चैनल और इस वीडियो। और दोस्तों, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ा नाव है जो अभी खाली था, वो अभी कहाँ से फुल होके आ रहा है। दोस्तों बात करो तो मैं भी असम का रहने वाला हूँ, और ये जो वीडियो है ये भी असम का ही वीडियो है। जैसे कि दोस्तों, अपना असम के लोग 100 में 30% लोग इसी नाव में कहीं मतलब बाजार वजार कहीं मतलब इधर उधर जाना है तो इसी नाव में 30% लोग सफ़र करते हैं। इसलिए दोस्त आपको थोड़ी देर पहले मिला खाली, और अभी कहीं से फूल होके आ रहा है। और यहाँ जितना भी आप तो देख रहे हैं, ये फूल है पूरा, अंदर ऊपर पूरा फूल होके आ रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको आपसे बाद में बात करूंगा, और इसका अंदर किस तरह क्या क्या है क्या सिस्टम है इसको दिखाएंगे। जी दोस्तों, अब आपका नज़र आ रहा है कि एक आदमी यहाँ मछली भी पकड़ रहे हैं दोस्तों, और आपको नज़र आ रहा है कि छोटा छोटा कुछ नाव है इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है। और जो अभी अभी जो बड़का नाव आया, वो अभी उसमें से आदमी लोग उतरेगा, और उसके बाद उसका अंदर जाके आपको दिखाने वाला है उसका क्या क्या सिस्टम है अंदर और किस तरह का क्या है। तो दोस्तों, अपना असम का लोग इस तरह का सफ़र करते हैं, और दोस्तों मैं भी इस नाव में सफ़र करता हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं। जैसे कि मैं बोला, असम का 30% लोग यही नाव में चलते हैं। और तो देख रहा है एक नाव जाने के लिए कोशिश मतलब अभी कहीं जाने वाला है, ये अभी थोड़ी देर में ये यहाँ से चला जाएगा दूसरी जगह में, क्योंकि गाड़ी वाड़ी और कुछ आदमी लोग उठा लिया है। तो इस तरह का अपना असम का लोग खाई पर चलते हैं। आपको वीडियो देख शायद पता नहीं क्या कैसा लगता होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो, और असम का ये इस वीडियो अगर ये नदी और नाव और आदमी इसका सिस्टम अगर आपको अच्छा लगे, कि आपका दिल में जो भावना है क्या अच्छा लगा कि नहीं है, एक बार कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हो, नाव अभी चला जा रहा है, वो कहीं जाएगा अभी आदमी सब लेकर, और चलते हैं आप उस बड़का नाव पर। जैसे कि अभी तक कुछ लोग है वो सीरिया है ना, सीरिया से उठेंगे, और अभी तक कुछ लोग है वो लोग उतरेगा, तो उसमें हम चढ़ के आपको देखने वाले। और इधर जो आपको देखने के लिए मिल जाए, ये छोटा छोटा नाव है, इसे लगा के रखा है, और जब टाइम होगा तो ये लोग भी जाएगा। जैसे कि दोस्तों, मैं नाव का ऊपर आया, और ऊपर में चढ़ने के लिए इसका सीढ़ी दिया गया है। और चलिए अंदर में जो सिस्टम है, जैसे कि इस नाव में ज़्यादातर सिस्टम नहीं होता दोस्तों, सिंपल सा सिस्टम होता है। आदमी लोगों को बैठने के लिए दो तरफ से दो मतलब ये बेंच की तरह अगर काट का वो जो ये होता है टुकड़ा टुकड़ा डाल बना के डाल देते हैं, और उसमें आके आदमी लोग बैठ जाता है। और दोस्तों, ये जो नाव चलने वाला है, ये तो देखिए, ये जो इंजन है, ये जो टिप्पर में जो बड़ा बड़ा गाड़ी में जो इंजन है, उसी का इंजन से ये नाव चलते हैं। और ये नाव में गियर भी लगाया जाता है, जैसे कि गियर से ये नाव को कंट्रोल कर मतलब स्पीड कम थोड़ा ज़्यादा करने के लिए ये होता है, इसमें कंट्रोल सिस्टम है। जैसे कि ये गियर बॉक्स देख रहा है, और इस जो इंजन है आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, इसी इंजन से ये नाव चलते हैं। आपको शायद बड़का बड़का नाव का बारे में पता है, फिर भी अपना असम का नाव कैसा किस तरह कैसा इंजन है। और जो जैसे कि छोटा छोटा नाव है ना, उसमें इतना बड़का इंजन नहीं है, उसमें छोटा सा इंजन है, वो अलग सा है। ये आपको डीजल का जो टैंक है वो है, और जो बैटरी है इसमें इस बॉक्स में, और ये इंजन है। ऐसे दोस्तों, इसका अंदर ही सिस्टम है। तो चलिए एक बार जाके ऊपर में देखते हैं। जैसे कि ऊपर में इस तरह का मतलब ऐसा लगता है कि प्लास्टर कर दिया, बट प्लास्टर नहीं किया, ऊपर में ऐसा कुछ लगाया, पूरा प्लेन है, और मतलब बारिश में भीगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऊपर में इस तरह। और इस नाव को जैसे कि घुमाना कैसे किस तरह का घुमाता है उसके लिए मतलब कि क्या सिस्टम है एक बार देख लेते हैं। इसलिए जैसे कि इस नाव को घुमाने के लिए यहाँ जो देख रहा है बच्चा पकड़ के रखा है ना, इसी से एक घुमाता है, और इसका नीचे एक बहुत बड़का एक पत्थर लगा हुआ है,
आपको थोड़ा सा नज़र आएगा क्योंकि मैं नीचे जा नहीं पाऊँगा अभी, नहीं तो पूरा देखा था क्योंकि उसमें सिस्टम नहीं है वो, मतलब वो काट लगा हुआ है ना, तो उसी से इसको घुमाता है और थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आता ही होगा वो जो छिकल है, छिकल का पास बहुत बड़ा पत्ती है, उसमें पत्ती लगा के घुमाता है, वो भी काट का है। और इधर उधर जो साइड साइड देख रहे हैं ये लिफ्टिंग वगैरह ये नहीं कर सकते, एक दिन के लिए काम इधर उधर जाता है ना, इसीलिए इतना सिस्टम है। चलो दोस्तों ये साइलेंसर है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।